तो व्यूअर्स, ये आ चुका है हमारा वन स्लाइस सैंडविच और ये क्रंच बर्गर। एक डबल रोटी का पीस है, उसके ऊपर चीज वगैरह डाल के और चिकन के। यार ये लेट नाइट भूख लगने वाली बीमारी कैसे जाएगी? मुश्किल सवाल है ना वाकई यार। ये तो नहीं पता कि कैसे जाएगी, बहरहाल चलो इसका बंदोबस्त करने के लिए चलते हैं। तो जी, मैं अपने लेट नाइट खाने का बंदोबस्त करने के लिए क्लक्स एंड बल्स पे आ चुका हूँ, जो कि कराची के इलाके गुलशन अदीब फेज 2 के अंदर है और बहुत ही खूबसूरत सा और वेल डेकोरेट है, बहुत ज़बरदस्त सा बना हुआ है। मैं बताता चलूँ कि फास्ट फूड होता है इनके पास और बहुत ही स्पेशल किस्म का फास्ट फूड है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ सुनी थी, काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन थी कि यार यहाँ का ब्लॉग बनाओ, इसीलिए हम आज यहाँ पे आ गए इनका फास्ट फूड का रिव्यू करने। रिव्यू करके आपको बताते हैं कि भाई ये कैसा है खाने में, इसका टेस्ट कैसा है। जेंट्स के लिए बाहर सारा सेटअप लगाया हुआ है, ओपन एनवायरनमेंट है इनका बिल्कुल ही, और ये हॉल है इनका, लेकिन ये फैमिली हॉल है। अभी आपको चल के फैमिली हॉल विजिट करवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई। क्या नाम आपका? फारूक सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह करम, आप बताएं सर? ठीक ठाक। अच्छा, इसकी टाइमिंग बताएं, ये कब से कब तक खुली होती है? ये दोपहर 12 बजे से रात 2 बजे तक की टाइमिंग है। अच्छा, और लोकेशन भी जरा समझा दें। ये लोकेशन है C87 फेज 2 एक्सटेंशन नियर बुद्ध बाजार ग्राउंड, आपको राव आर्केड के करीब आपको पड़ेगा। ठीक है, कराची के इलाके, कराची के इलाके गुलशन हदीद में। सही सही, फेज 2 एक्सटेंशन फेज 2। चलें ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यार ऑप्शन तो इधर बहुत ज़्यादा हैं खाने के, लेकिन हम लोगों ने मंगाया इनका स्पेशल है क्रंच जिंगर बर्गर और दूसरा है वन स्लाइस सैंडविच, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है, तो हम ट्राई भी वही करेंगे कि यार कैसा है खाने में। हमने वो ये दोनों चीज़ें ऑर्डर कर। 10 मिनट्स लेटर। तो व्यूअर्स, ये आ चुका है हमारा वन स्लाइस सैंडविच और ये क्रंच बर्गर, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा ही मतलब अट्रैक्टिव से लग रहे हैं। एक डबल रोटी का पीस है, उसके ऊपर चीज़ वगैरह डाल के और चिकन के पीसेस, ब्लैक ऑलिव्स और शिमला मिर्च और कुछ और भी मसाले वगैरह इसके ऊपर डाल दिए हैं। मुझे दिखने में वो ज़्यादा ही अट्रैक्टिव और इम्प्रेस कर रहा है, इसी वजह से मैंने सोच रहा हूँ स्टार्ट यहाँ से करूँ। ये आप चीज़ देख रहे हैं, बिस्मिल्लाह, दम है भाई, दम है। बहुत ही डिफरेंट सा इन्होंने आइटम बनाया हुआ है, और जो सुबह में आप डबल रोटी खाते हैं चाय के साथ, उसी डबल रोटी के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है चीज़ वगैरह डाल के, और भी जो जितनी भी चीज़ें थी, हर चीज़ का एक प्रॉपर टेस्ट आ रहा है मुँह के अंदर, और बहुत ज़्यादा ही खट्टा सा है, बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका। और बर्गर की मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊं तो ऊपर से ये सॉफ्ट सा बन है, सैलेड लीफ है, क्रंची सा इनका जो जिंगर का पीस है, और ये सॉस वगैरह डाली हुई है। बिस्मिल्लाह, बहुत ही फ्रेश, और जिस तरह इसका नाम है क्रंची बर्गर वैसा ही क्रंची भी, और थोड़ा सा स्मोकी टाइप इसका टेस्ट है, और जो इसके अंदर सॉस यूज़ की हुई है वो भी बहुत अच्छी सॉस है, उसने जो ना टेस्ट थोड़ा सा और इसका बढ़ा दिया है। तो बर्गर के अंदर आपने देखा होगा जो मज़ा कराती हैं वो, जो इसके अंदर सॉसेज और चीज़ वगैरह डली हुई होती हैं, वो बर्गर का मज़ा और बढ़ा देती हैं, तो इस सॉस ने भी इस बर्गर का मज़ा और बढ़ा दिया। व्यूअर्स, जो जिंगर क्रंच बर्गर था वो था 379 का, और जो वन स्लाइस सैंडविच था, सॉरी, वो था 279 का। तो दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा कमाल की थी, मतलब इस तरह थी, आप जितना खाओगे तो आपके स्टमक पे हैवी नहीं होगा, इस तरह की थी, बहुत ज़्यादा मुझे तो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल का नाम है MSM ब्लॉग। आपके साथ मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में कुछ मुख्तलिफ खानों के साथ।
तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और भाई को करिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।